एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें देखिए आप लोगों के लेवल से अगर हम बताना चाहें तो आप सिर्फ LHS सॉल्व करके RHS लाने की कोशिश करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों को सॉल्व करते आइए, आसान हो जाए काम, लेकिन हम अपना ही काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं LHS को ही सॉल्व करके RHS लाएं। पहले तो इसको सही तरीके से टर्म को करेंगे, साइन थीटा इसको एक टर्म मानें, प्लस वन माइनस कॉस थीटा इसको दूसरा टर्म माने, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किए, माइनस कॉस प्लस वन कहिए या वन माइनस कॉस कहिए एक ही बात है, माइनस टू प्लस वन कहिए या वन माइनस टू कहिए, आंसर माइनस वन ही आने वाला है। तो आगे पीछे अरेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बस इसको रीअरेंज किए हैं, क्योंकि ऐसा करने से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर एक तरह का टर्म बन जाएगा। देखिए कैसे, इसमें से माइनस वन कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। कैसे, ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस वन इंटू माइनस इंटू वन माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस है, इसका मतलब इस चीज से ये कर सकते हैं। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए, कैसे, साइन थीटा, ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं, वन माइनस कॉस थीटा, यहां माइनस था प्लस से रैशनलाइज कर दिए, ऊपर नीचे हम लोग प्लस से इंटू कर दिए सेम चीज को। ऐसा करने से देखिए क्या होने वाला है, नीचे हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ऊपर देखिए उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या होने वाला है, इसको थोड़ा छोटा में लिखिए, जरूरत पड़ा तो हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर ओपन करिएगा आप तो डिनोमिनेटर पहले लिख दीजिए, ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन मत करिए, ब्रैकेट को ओपन, इसको ओपन मत करिए, अब इसको ओपन करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए इंटू बी हो गया। अब आपको पता है जैसे साइन स्क्वायर उधर भेजते हैं तो वन माइनस साइन स्क्वायर बनता है, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस उधर भेजेंगे तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसका मतलब इधर सिर्फ साइन स्क्वायर है और उधर क्या है वन माइनस कॉस स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर इक्वल होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर के, तो साइन स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, जहां भी साइन स्क्वायर उसको रिप्लेस कर देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, प्लस वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अगर होल स्क्वायर है तो इसको कह सकते हैं ऐसा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, नीचे भी सेम काम करना है, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगेन एक चीज देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा, उसमें ए माइनस बी भी है और ए प्लस बी भी है, सेम वे अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर वन का स्क्वायर, वन को सिंपली वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इससे देखिए वन माइनस कॉस पूरे से कॉमन निकलने का चांस है और क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, फिर ऐसे बनाने का और भी तरीका है, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा इजी वे में चाह रहे बन जाए और छोटे से में बन जाए, प्लस टू साइन थीटा वन माइनस कॉस, बाकी को ऐसे ही एज इट इज उतार दिए। अगेन नीचे ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स इसको भी लिखा सकता है ए माइनस बी
and a plus b means 1 minus cos into 1 plus cos. a minus b का whole square है, मतलब ये चीज कितने times है, whole square मतलब 2 times, तो 1 minus cos into 1 minus cos दो बार लिख सकते हैं. पूरे ऊपर में देखिए 1 minus, ये एक term है, इसमें से 1 minus cos कौन है, ये पूरा एक term है, उसमें 1 minus cos है, ये पूरा एक term उसमें 1 minus cos है, तो 1 minus cos को पूरे को common ले लिए और यहां एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएं, मिडिल ब्रैकेट. अगर हम इससे 1 minus cos बाहर ले लिए तो सिर्फ बचेगा 1 plus cos, प्लस इससे 1 minus cos बाहर ले लिए तो सिर्फ बचेगा 1 minus cos बाहर ले लिए तो सिर्फ बचेगा 1 minus cos, इससे 1 minus cos बाहर ले लिए तो सिर्फ बचेगा 2 sin थीटा. इसको तो ब्रैकेट नहीं रखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. डिवाइड बाय नीचे भी सेम का 1 minus cos, यहां भी 1 minus cos, यहां भी, यहां से भी 1 minus cos हम कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 plus cos थीटा एंड 1 minus cos थीटा. यहां बाहर माइनस है, माइनस लगा दीजिए ब्रैकेट क्लोज. देखिए ये तो कैंसिल, ब्रैकेट अगर ओपन करिएगा, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो देखो क्या आने वाला है, 1 plus cos प्लस 1 minus cos प्लस 2 sin theta डिवाइड बाय, इसका ब्रैकेट ओपन करिए तो ये तो 1 plus cos ही रहेगा, माइनस इंटू 1 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा cos theta प्लस cos theta, माइनस cos प्लस cos कैंसिल, 1 plus 1 1 plus 1 2 हो गया प्लस 2 sin theta डिवाइड बाय, इस बार 1 और 1 कैंसिल तो cos और cos मिलके 2 cos theta हो गया. इसे 2 कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 cos theta, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1 plus sin by cos. क्या 1 plus sin by cos को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये cos दोनों के डिवाइड में है और दोनों के डिवाइड में है तो इसको ऐसा लिखा सकता है 1 by cos plus sin by cos. ये चीज हम अक्सर करते हैं और इससे काफी आसान हो जाता है. 1 by cos is what, अगर 1 by cos अगर आप लिखना चाहते हो तो 1 by cos को क्या लिखिएगा, 1 by cos is sec theta, क्या कहा था 1 by sec minus 1 by cos 1 by tan. चलिए तब तो रुक जाइए, ये 1 by cos हो गया sec theta, sin by cos क्या हो गया tan theta, तो क्या है sec theta plus tan theta. आपको divide में क्या चाहिए, sec theta minus tan theta, हम इसको divide कर दिए किससे, sec theta minus tan theta से. जब divide किए तो multiply भी कर देते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, इसके नीचे मान लीजिए पूरा नंबर के नीचे क्या है 1 है, इसका multiplication 1 से, तो डिवाइड में तो देखिए आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा जो हमको लाना था. ऊपर में क्या आ गया, देखिए a प्लस b a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या आपको आइडेंटिटी याद है ट्रिग्नोमेट्री का, sec स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, लेकिन sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1 होता है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इसका वैल्यू 1 हो गया और नीचे जो है वो है sec theta minus tan theta. Therefore, LHS को हम solve किए, solve होते थे किसके बराबर आ गया RHS का, इसका मतलब LHS और RHS दोनों आपस में equal है. हम बोल रहे हैं कि हम LHS को ही solve करके पूरा focus करते हैं answer लाने का और इसी में हम success अक्सर होते हैं और इस बार भी success हुआ. तो कोशिश करिए आप लोग भी बनाने का और practice करने का, जरूर बनेगा, लंबा जरूर चला गया है लेकिन कुछ इसमें tough calculation नहीं है, प्रैक्टिस का जरूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम टाइम ज्यादा ज्यादा बनाइए, जो क्वेश्चन टफ लगे उसको 3-4 बार बनाइए, नहीं बन रहा है और ज्यादा बनाइए, देख के पहले बनाइए लेकिन फिर बनाइए, फिर सोचिए कैसे ये बना है, उसके बाद फिर अपने से बनाइए, जरूर बनेगा.